नमस्ते नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो नपुंसक जीव है क्या वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हाँ तो कौन कौन से सम्यक दर्शन और उनके गुण स्थान में कहाँ तक जा सकते हैं वो? नपुंसक जीव सम्यक दर्शन बहुत अच्छी तरह, मैंने कहा भाव नपुंसक तो मुनि बन सकता है, लेकिन जो नपुंसक है द्रव्य से, जो नपुंसक है द्रव्य से नपुंसक जो होते हैं, जैसे आप हिजड़ा आदि कहते हैं, त्रियंचों में सम्मूर्षण होते हैं, जैसे मेंढक आदि होते हैं, सम्मूर्षण जीव होते हैं, संगी पंचेंद्री होते हैं, तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं, ये छुल्लक तक बन सकते हैं। मनुष्य में यदि नपुंसक है तो छुल्लक व्रत तक धारण करेगा, इलक नहीं, छुल्लक व्रत धारण करेगा, पंचम गुण स्थान धारण कर सकता है, 11 प्रतिमाएं धारण कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, आराम से कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, देश स्मृति हो सकता है। कौन कौन से प्राप्त कर सकता है वो? जैसे छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा, छायक नहीं कर सकता, छायक सम्यक दर्शन नपुंसक को नहीं होता, उपशम सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दोनों में कोई अनादि मिथ्या दृष्टि कोई है, यदि वो नपुंसक में है, हिजड़ा है, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो प्राप्त होने में बाधा है ही नहीं। और उसका गुण स्थान कहाँ तक हो सकता है? चौथे से पांचवा, दो गुण स्थान।